जिसमें आप कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी जीता है, आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो, अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट भी बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था, सो फार आई नो, 36% समथिंग। अखिलेश जी का आसन 78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ 54 आसन, सीट लॉस हुआ। और इतना उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ, एंड बनारस डीएम इज ऑल्सो सस्पेंडेड, सो फार आई नो, आई हैव सीन द पेपर। सो इफ डीएम इज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ इज ईवीएम मशीन को उठाने के लिए, तो ईवीएम मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रांसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है, ये बहुत सारे लूट चला है, लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया, जो पंजाब में नहीं हुआ कि पंजाब में आपका वर्कर्स प्रोटेक्ट किया है। हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे, हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है, तो पॉपुलिस्ट पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला।